हेलो, आर यू देयर? पैसे के आगे शुरू होता है असली खेल, पावर का। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है। और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की, तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी है जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शरिया अंथमवल 1990-2001 के कालखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शोरिया अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहाँ कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य
पलायन और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कंफ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कंफ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेट कृतिका जी, हाउ आर यू मैम? वहीं पे रुके मैम, योगेश हाथ पीछे करना, हाथ पीछे। ब्यूटीफुल सामने आ जाओ भाई। चल चल भाई, चल भाई, प्लीज की कार नहीं आ गई, आ गए आ गए। योर कार इज कमिंग, चलो उधर से आ गए, चलो ना। अरे चैन लोग तो चलना मांगते हैं। थैंक यू, गाड़ी का दरवाजा। Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Please, ma'am. Oh, no. Bye. Thank you. Ma'am, center mein, ma'am, center mein, center mein. Raghav sir, aage ho na. Raghav sir, Raghav sir. Raghav sir, aage ho. Raghav sir, jai hind. बस बस पीछे 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 भाई भाई पीछे पीछे थोड़ा पीछे भागो भाई पीछे। अरे सर नहीं 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 मैडम मैडम बराबर रुके मैम, इधर राइट पे मैम, थोड़ा साथ में आइए ना। साथ में आइए ना, अरे साथ में आइए ना, कंबाइन कंबाइन। हेलो सर, सावधान। नहीं 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 चलो चलो सोलो 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 राघव भाई, राघव भाई मारो 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 मारो, रुको रुको राघव भाई, रुको ना रुको ना। हाँ भाई 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 रुक, मैम सर वेट वेट, घंटा किधर है भाई? सामने सामने राघव भाई, सामने जय हिंद।
निकाल आगे मत जाओ जाओ वहाँ जाएंगे बस बस मैम इधर राइट साइड सेंटर मैम यहाँ पे मैम थोड़ा होल्ड हो मैम यहाँ पे पिस्टल निकाल के लेफ्ट में जाओ पिस्टल निकाल के हाँ शूट करो लाइसेंस है ना क्या लाइसेंस वाह वाह अरे 15-15-25 थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सॉरी सर आइए सर आप इधर राइट में होल्ड कीजिए सही यहाँ सर इधर सर डन थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच 11:11 Should I drive, Tim? Yes. Should I drive? Thank you, safe sir. कुणाल सर रुके ना एक साथ में कर देना मैम के कुणाल सर वेट ना कुणाल सर रुके ना कुणाल सर सोवाजी रुके कुणाल सर गौरव सर कृतिका जी रुकिए गौरव सर थैंक्स गाइस थैंक यू कृतिका जी कामरा जी एंड जी कैसे हो भाई जी भाई इधर चल करो भाई इधर भाई इधर लेफ्ट साइड पिक्चर आ रही है ना उसके भी जैसी भाई यहाँ पे पांडे की पिक्चर आ रही है और नाम भी सुन भाई जोकर जैसी भाई इधर से चलो भाई यहाँ पे देखो साबुन स्लो है चलिए सर भोजपुरी में डेब्यू कर रहा है एक नंबर पूजा जी सोलो नाइस आउटफिट ब्रो ले ले तू कोशिश जारी है इधर राइट में सेंटर जागो भाई कौन है भाई ये ड्रेसिंग कड़क है भाई कड़क है भाई इधर गोजर फोटो भाई इधर
भाई इधर इधर राइट में भाई इधर भाई इधर देखो थोड़ा सा भाई भाई इधर देखो नहीं थैंक यू भाई इधर लुक भाई हां सलमान भाई उधर से आएंगे भाई एक मिनट रुकना भाई पीछे 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 पूजा लुक सेंटर वेट पूजा लुक सेंटर आगे सेंटर सेंटर मैडम जी इधर यहां पे मैम यहां पे इधर यहां पर देखो मैडम जी इधर पूजा मैम सेंटर में आपके लेफ्ट में नीचे थोड़ा आगे देखो पूजा लुक सेंटर वेरी गुड सेंटर सेंटर पूजा यहाँ पे सामने आ गए ना पूजा जी सामने देखिए एकदम क्या पे यहाँ पे मैडम जी आपके लेफ्ट में नीचे मैम यहाँ पे क्या पे यहाँ पे थैंक यू रुकिए 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 अभी फोटो किसको फोटो चाहिए थैंक यू रुकिए 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 पूजा जी पीछे देखिए पीछे पीछे इधर बैंड्रा ले सलमान सर इधर सामने देखिए सर इधर एक मिनट हाँ नहीं नहीं रुको सर सरदार जी हूँ हाँ अभी तो शुरू हुए सर इधर देखो सामने कोई नहीं सेंटर गाड़ी
अनन्या मैम इधर मैम साथ में थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ मैम मैम यहाँ पे मैम यहाँ मैम एक मिनट मैम वेट वेट मैम यहाँ मैम राइट साइड मैम मैम यहाँ पे मैम राइट साइड में मैम राइट मैम यहाँ पे राइट साइड फोटो के बाद मिलवा अरे बुलाया उसने मैडम बुलाया मैडम ने बुलाया मैनेजर रुकिए तानिया मैम सामने तानिया मैम Thank you.
बाबा थोड़ा जागा तो चलते रहे अभी चल जागा क्या यार चलते रहे ना गाड़ी चल रही है ना बस ऊपर ले जाएंगे। अरे जाने देगा तू चल।
उतर गए उतर गए। एक मिनट आप नीचे उतरो। वरुण भाई मतलब आप वरुण भाई वरुण भाई गेट बंद कर दूंगा मैं बोल रहा हूँ नीचे चलो। चल ले ये सीधा आने तो दो कब से उधर रुपए तो छोड़ो ज्यादा से ज्यादा आने देंगे जी। यहाँ पे देखिए चले अंदर कर दे अंदर कर दे भाई ये रोना कर दो मिनट का भाग मत मैम पहले यहाँ पे यहीं पे कर देना यहाँ पे यहाँ पे हाँ पीछे आ जाए पीछे से पीछे साइड हो जाओ भाई सब साइड हो जाओ कर देने नहीं 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 अच्छा लग रहा है सेंटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे रुक जाओ रुक जाओ यहाँ पे बुला मैम बराबर से बना देख तेरे को आज कैसे पुरस्कार को गुणाल जी इकड़े इकड़े बघा इकड़े बघा ना गुणाल मैडम इकड़े यो 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 जी यहाँ पे देखिए यो 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 बोलना अभिषेक मोबाइल मोबाइल फोटो चाहिए हट ना आराम से नीचे इंटर में देखो इंटर का दे रहे सर लुकिया दे रहे सर दे रहे जी ऑन राइट एक साथ यहाँ पर सर आइए इधर यहाँ पर संदीप उनको बुला कर थैंक यू वेट वेट एक साथ में दे दो ना एक मुन्ना मैम आ रही है कौन अरे यार इधर
एसीपी सिद्धांत सर कड़ा मस्त काम किया सर, मस्त काम किया है। वो भी गई सर, मस्त काम किया सिद्धांत सर। अरे आधा देख के बोलता है हाँ सर। पीछे तो ये पीछे और पीछे लगा नहीं ले 2.8 नहीं वो नहीं आएगा सर। सर आप कॉर्नर में चले गए, कॉर्नर में। अरे वो हटा ना, नन्ना जी यहाँ पे देखिए, नन्ना जी यहाँ पे भी देखिए आप, नन्ना जी यहाँ पे सिद्धांत दियो, नन्ना जी यहाँ पे सामने, नन्ना जी सिद्धांत सिद्धांत दियो सामने, सिद्धांत दियो नन्ना जी सिद्धांत लेफ्ट साइड। क्या बोलता भी है, बोलता भी है। मैं यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे देखिए अभी, हाँ सिद्धांत भाई, सिद्धांत भाई यहाँ पे देखिए। सिद्धांत भाई आपका काम कड़ा गया, अच्छा लगा, मैंने देखा। मैंने तो सिर्फ आनंद को देखा है। आनंद आनंद अरे रुक जा, बात मत करो रे, छोड़ो। अनन्या जी यहाँ पे देखिए, सिद्धांत जी रुको अभी यहाँ पे एक बार देखो सेंटर में लास्ट। थैंक यू, थैंक यू। सोलो 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 अनन्या, अनन्या सोलो, अनन्या सोलो। सर सर आप रहो ना सर, चलेगा अभी यही हो सर। हाँ वो बात तो सर, आप हिट हो आज यहाँ से। आपने गाना नहीं गाया क्या? यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर में देखिए, मेरे को सुनने लगते हैं गाना याद करके। हाँ यहाँ पे सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे आप गाओ से। सेंटर में देखिए मैम, हम लोग अनन्ना जी नाचरे मोरा एकदम जी, अनन्या जी अनन्या 10 बजे से आके रुको आपकी फोटो के लिए। अनन्या जी यहाँ पे, अनन्या जी यहाँ पे, आपका बहुत बड़ा फैन है ये देखो, और क्या जी फोटो चाहिए मैम यहाँ पे। फोटो देखो मैम स्नेक गिरेगा, चला गिरेगा अभी फ्रेम में आ रहे सेंटर सेंटर देखिए दीपिका जी, सेंटर में नहीं देखा दीपिका जी यहाँ पे, दीपिका जी, दीपिका जी यहाँ पे, दीपिका जी यहाँ पे नहीं देखा। सेंटर 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 दीपिका जी सेंटर, दीपिका जी राइट में, राइट में दीपिका मैम यहाँ पे सेंटर सेंटर बोता भी लुक सेंटर दीपिका जी। दीपिका जी सेंटर सेंटर देखिए, दीपिका जी यहाँ पे, दीपिका मैम यहाँ पे, दीपिका जी, दीपिका मैम यहाँ पे, दीपिका जी, सेंटर सेंटर बिल्कुल सेंटर, बोलता जी एक सोलो इधर 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 दीपिका सेंटर 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 दीपिका जी यहाँ पे नहीं देखा मेरे तरफ, दीपिका जी सेंटर दीपिका जी दीपिका मैम यहाँ, दीपिका जी, दीपिका जी यहाँ पे देखिए, दीपिका मैम यहाँ पे, दीपिका जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दीपिका जी, दीपिका जी, वेट वेट वेट, दीपिका जी, हाँ मैम यहाँ पे, दीपिका जी, दीपिका मैम यहाँ पे, ग्रुप पिक्चर, एक ग्रुप पिक्चर कर लेते हैं, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ पीछे आओ रे, पीछे आओ, पीछे आओ रे, थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा है, इसका फुल फ्रेम है ना, पीछे आ जाओ मेरा दोस्त है, पीछे यस सेंटर सेंटर फर्स्ट सेंटर में भी सेंटर सेंटर
लेफ्ट साइड दीपिका, लेफ्ट साइड सेंटर सेंटर दीपिका जी, सेंटर जाओ सेंटर 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 दीपिका मैम यहाँ पे दीपिका पिक्चर हिट है सर। अनन्या मैम दीपिका आप भी बहुत हिट हो। हिट है सर। हेलो माता योगा चार भाई बाजू बोल रहे कल सारा स्टार में था सर। कल तू भी था मेंशन तभी तो गिरता है सुबह में। गुड वन गुड वन। एंड थैंक यू गाइस थैंक यू। ऐसे भी सिंगल जा जा मैं मुझे भी चाहिए जा जा मैं मुझे भी बहुत अच्छा सर प्ले किया सर। ये दो बायोपिक सर यहाँ पे सिद्धांत भाई यहाँ पे तो जितना नहीं था साथ के बाद नहीं 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 इशिता किधर जाना है एक काम यही है हमारा काम भी यही है ना दो घंटा रुका है हमने यहाँ पे एक प्रमोशन हो रहा है सिद्धांत भाई यहाँ पे सामने नहीं नहीं मेरे को नहीं सिद्धांत भाई के साथ ना सिद्धांत भाई मेरे को चाहिए आओ क्या भाई एक एक दस रुपए तो चलो नहीं हटो। अरे भाई आगे सट जा सर लोग थोड़ा आगे आइए लाइट नहीं है और आगे आइए और थोड़ा आगे 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 लाइट नहीं है आगे आइए थोड़ा आगे तो फिर यहाँ आता है तेरे अभी हमारे लिए थोड़ा सा आगे आइए ना प्लीज। और मैडम जी हमारे लिए थोड़ा आगे आइए ना दीपिका जी सेंटर दीपिका जी सेंटर सेंटर इधर ही करनी है। हाँ मैडम हो गया ना ग्रुप अभी यार कितना बड़ा ग्रुप। अरे अरे ठीक है होने देना चलो आगे जैसा आप करो सर इतना आगे मत घूम थोड़ा पीछे रहा अरे पीआर लोग क्या कर रहे हो हेलाल भाई क्या भाई हेलाल भाई चल भाई ले दे कम क्लोज और सब लोग सामने देखो सब लोग सामने मैडम जी राइट में भी देखो अरे पहला इधर सब लोग सामने एकदम सामने बहुत अच्छा कुछ मत बोल सामने राइट में चलिए स्टार का सोलो सोलो स्टार का सोलो सोलो अनन्या जी रुको रुको अरे मैडम जी रुको मैं रुक रही हूं भाई थोड़ा पीछे रह इतना अंदर मत घूम अनन्या जी यहां पे स्टे लंबा लंबा ये वो तो भी सेंटर सेंटर राइट साइड सेंटर अनन्या जी यहाँ पे अनन्या जी यहाँ पे अभी सेंटर भैया सेंटर सेंटर चुनाव को बोलो कौन है मेरे पीछे जा रही है रुकना कह रहा हूँ क्या बात लाइट कौन बंद किया लाइट लगा लगा लाइट किसने बंद किया अरे हमको क्या नहीं किसने बंद किया सर सेंटर ये भाई की बाहर निकालो चलिए पहले निकालो दिखेगा का हां साथ में कौन आ रहा है बस थोड़ा आगे आइए थोड़ा आगे आइए हां
लाइट मारना है कृष्ण भाई, एक बार चालू करेगा सही हो जाएगा। मैडम जी एकदम सामने, एकदम सामने मैडम जी, अरे मैडम जी एकदम सामने डाल डाल लाइट डाल जल्दी डाल। एकदम सामने देखिए, सामने देखिए मैडम जी सामने। मनोज हाँ भाई लो ना यार, तू नीचे बहुत दुख दे रहा है, लो ना राइट में सेंटर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दीपिका जी दीपिका जी सेंटर। मैम एक सोलो सोलो, दीपिका मैम सोलो, दीपिका मैम सोलो, नहीं हुआ नहीं हुआ, सोलो मैम सोलो मैम। चलो नहीं नहीं बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार इस वक्त के इस पल के मज़े ले रहे हैं। ये फिर पल वापस नहीं आएगा, एक हम एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है मुझे ऐसा लगता है। चार साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम तीन, तो ये बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता यार, बिल्कुल जी जान लगा देंगे इसमें। ये बहुत मज़ा आ रहा है हमें आप सबके साथ इंटरव्यू करके और फिल्म के बारे में बता के, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं एक फेस्टिवल है और सलमान सर खुद आप लोग के लिए यू नो ईदी लेके आ रहे हैं 21 अप्रैल को, ताकि आप सब जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें। सुबह से इनफैक्ट 3 दिन से हम जो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू नो हमने एक हमारा सपना एक पूरा हुआ है और अब उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बड़े दिल लगा के ही सबको आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम थक गए, हम और अभी रात भर इंटरव्यू दे सकते हैं तो ऐसा। और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया, तो हम बहुत ही लाइक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 21 को ये फिल्म देख के और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। तो राघव को आप भाई बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हैं जा? क्या बनाऊँ भाई बना दे कुछ भी बना, मैं इतना स्लो हूँ कि आऊँगा राखी पे ही। देखो जान भी बना लोगे तो भाई जान से कम नहीं होते। जो नहीं भाई को तुमने इनसे पूछ लिया भाई क्या वो फेमर चल रहा है कि भाई को धनुष की तरह रख दोगे, भाई को तो पूछो भाई को जान बनने की भाई। हाँ मैंने पूछा, मैंने पहले ही पूछ लिया ना तुझे क्या बनना बता दे, मैं वो बना लेती हूँ। नहीं नहीं वो मेरी बहुत बहुत ही प्रोफेशनल को एक्टर है मेरी, और ये बहुत ही बहुत सीखने को मिलता है इन दोनों से ही, छोटे हैं मेरे से लेकिन बहुत सीखने को मिलता है उसने मुझे एक्शन सिखाया, ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट जो एक्शन की एंट्री है वो सिद्धार्थ की है। अमेजिंग अमेजिंग करता है एक्शन, और ये इससे मैं सीखता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेबल लगना है कैमरे के आगे। मैं क्या हूँ मैं थोड़ा देखता नहीं शीशे से ऐसे ही आ जाता हूँ, लेकिन कैमरा प्रेजेंस में प्रेजेंटेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिनेमा कर रहे हैं कैमरे के आगे आ रहे हैं, तो वो मैं इससे सीखता हूँ, तो बिल्कुल एक तरह से जी जी बिल्कुल। अशोका में मिले थे हम बहुत मिले बल्कि बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम सब अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आए। आप हम जब डांस करते थे तो हमें पता था कि बेस्ट कौन है, राघव भाई, तो हम अगर हमें कोई भी यू नो स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती तो हम राघव भाई को दिखाते थे, यार आ रहा है ना मतलब फील आ रहा है ना, हाँ मस्त कर रहा है, तो ये एक आई थिंक हेल्प हो जाती है ना, कि ऐसा लगता है कि यू नो प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड सेम जैसे कि अभी राघव भाई ने बोला एक्शन को लेके मेरे से, सेम जस्तीपा जी जब होते थे तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे तो वो अपने सजेशंस देते थे कि ये गाने में ये भी ऐड कर सकते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, तो हम एक कह सकते हैं पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है ये जो आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए कैसा रहा मैं आई गेस इंडस्ट्री में इन सबसे कम एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मेरे लिए तो हर एक दिन एक जर्नी थी, एक सीखने की जर्नी थी,
तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई वॉज ब्लेस्ड विद अ यू नो लर्निंग प्रोसीजर. तो हर दिन मैंने इनसे कभी कुछ सीखा, इनसे कभी कुछ सीखा, वेंकटेश सर, सलमान सर, सबसे सीखा. तो मैं अब ऐसा है कि मैं निखर के बाहर आई हूँ और तैयार हूँ फील्ड के लिए. राघव, आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने उत्तराखंड के लिए बहुत सारा काम किया, वो प्यार लेकर जब आप बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, आपको लगता है दुआएं लगी तभी आपको बड़ा पर्दा इतने ऊपर नहीं? यार, मैं कभी भी उस लालच में नहीं की थी वो चीज़. मैं समझ रहा, दुआएं बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी होती है. वो मजबूरी थी उस वक्त सबकी, हमारी भी, हमें निकलना पड़ा था घरों से बाहर और ऑन ग्राउंड काम करना पड़ा था मुझे पूरे. और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, आप सबको. बहुत बुरा हाल था, मेरे ख्याल से सभी बाहर निकले हुए थे, 17-17, 16-16 साल के बच्चे बच्चियाँ बाहर थे और वो मेरे साथ लगे हुए थे. और इतने लाखों लोगों को उन्होंने मदद करी, इतनी तादाद में सिलेंडर्स पहुँचाए, इतनी चीज़ें हुई. तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू. और वो दुआएँ बिल्कुल मुझे खुश, बस मैं खुश रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, मैं ऐसे मानता हूँ लोग खुश रहें. लेकिन हाँ, ये फिल्म आप बात कर रहे हैं भाईजान की, आप देखिए ना, देखिए कैसे मिलती है चीज़ें. वो चीज़ हम मैंने की, सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है जो हेल्प करने के, भाईजान सलमान भाई. तो मेरे को कैसे सलमान भाई की फिल्म मिली, तो वो एक तरह से एक ऊपर वाले का मतलब मेहर बरसाई है मुझ पर. मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है खुद को पोस्टर में देख के. सलमान सर के साथ सब लोग हैं पूरे फिल्म में, बैंकी सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक हम सब सलमान सर के मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, और तो मुझे लगता है कि जितने भी फैंस हैं सब ये फीलिंग रिलेट कर पाएंगे कि हम सबका अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार सलमान सर से मिलने का मौका मिल जाए, उनके साथ एक पिक्चर मिल जाए. कभी बार बहुत लोगों को पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन मिल लेते तो भी कितने खुश हो जाते. तब आप समझ सकते हैं, वो सेम फीलिंग मेरी भी थी जब मैं अशोका प्रमोट करने गया था. और मैं आया था मतलब प्रयागराज से आया था, मतलब मेरी तो मतलब मैं ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, ज़्यादा फिल्मों के बारे में नहीं जानता था, बस कुछ ही लोग को जानता था और उनको मैं हमेशा से देखते आए हूँ. उनसे मुझे जब अशोका के टाइम मिलने का मौका मिला, आई वॉज लाइक सरप्राइज यू नो कि सलमान सर से मिलने का मुझे मौका मिला है. बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी, यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखा होता है, एंड आज मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी भी रही है. एंड एंड आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो. कहाँ देखा आपने लोग? हाँ, कपिल शर्मा में. अच्छा, वो आ गया बाहर? हाँ, कल ही आया कपिल शर्मा शो. हाँ, नहीं पता नहीं, ऐसा लुक नहीं. देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग ना बहुत बड़ा एक टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है. एडिटर हमारे देश में या कहीं सिनेमा में एडिटिंग इस बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का या टीवी का. तो कल को अगर मैं किसी को लुक दूँ और वो लुक में वो किसी को फलाना को डाल दें, ढिमकाना को डाल दें, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही लुक दिया है. समझ रहे हैं आप, एडिटिंग से तो पूरी फिल्म बनती है. अच्छी से अच्छी फिल्म ख़राब हो सकती है और बुरी से बुरी बुरी फिल्म ठीक हो सकती है एडिटिंग से. तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है आजकल. तो ज़्यादा एडिटिंग पे ज़्यादा भरोसा मत करो. अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है. मैं काम की बात पर, शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था, मेरा डांस बोला है, मैंने होस्टिंग करी, मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ, मेरी एक्टिंग बोलेगी. ये सब चीज़ सुर्खियों को उठने दो, हम चलते हैं, बढ़ते रहेंगे. फराज सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दी बेस्ट ह्यूमन बींग. और ऑन सेट ऑल्सो हम सबकी बहुत, पहले तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा. और अगर हमें कुछ पूछना भी होता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं. उनके अंदर वो जब कुछ भी नरेट करते हैं ना, आप बैठे हो, आपको पूरा इतने अच्छे से नरेट करेंगे, इतने अच्छे से करके बताएंगे कि आपको लगेगा आप वो सीन जी रहे हैं जब वो बताएंगे. तो
तो ही इज द बेस्ट एंड ही इज दैट वन पर्सन ऑन सेट जिनको आप ऐसा होता है ना बहुत लोग खड़े हैं एक को स्पेशली मन करता है जाके हाई बोलने का बात करने का वो है ही सो जॉली नेचर एंड सो वेलकमिंग कि लगता है मतलब ही सच अ बिग डायरेक्टर लाइक हाय सर यू कैन बी लाइक व्हाटएवर यू वांट टू बी राइट फन लविंग ग्रेट ह्यूमन अगर हम गाने की बात करें लेंटम्मा लुंगी के साथ डांस करना बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब जहाँ से हम हैं मतलब वो लुंगी पहन के और सलमान भाई ने भी जो मेरी खींची है उसमें तो वो आप देखा ही आपने वीडियो जिसमें मुझे वो सिखा रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था यार 200 से ऊपर डांसर्स थे शायद से बहुत से नहीं 2000 1000 ऐसे डांसर प्लस मैसिव लेवल पे शूट हुआ है और ऊपर से रामचरण सर और सलमान सर ऐसे साथ में आएंगे तो आधा तो आप वहीं पे बेहोश तो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैंड एक्सपीरियंस था क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड सॉन्ग्स है और पता है हम लोग जो डांस कर रहे थे वो एक कोरियोग्राफी थी मानते हैं बट जब हम लोग डांस करते थे ना तो जब ऐसे नहीं कोई गाना बजता और आप बिंदास नाचते हो एकदम हाँ। जैसे सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग लिटरली वहाँ पे नाच वैसे ही रहते बिंदास आप मेकिंग देखिए आपको मेकिंग में समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं कर रहे थे जो हमें बताया गया हम वही कर रहे हैं हम लोग फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे और मेकिंग छोड़िए आप पोस्टर ही देखिए हमारा मैंने लुंगी कैसे संभाली में पहने के ऊपर करके अगर आप देखेंगे बाद में आपको दिखाएंगे तो देखना लुंगी तो वही है मुश्किल था उसमें लेकिन मज़ा आया हवादार लुंगी मेरे बड़े भाई मेरा सगा भाई है और मेरे सबसे अच्छी रेपो पूरी फैमिली में मेरे भाई के साथ है मैं मुझे सबसे ज़्यादा वो समझता है यार आई लव हिम और मैं सबसे आई थिंक ज़्यादा प्यार अपने भाई छोटे भाई को करता हूँ और वो भी फिल्म मेकर है वो थोड़ी फेस्टिवल्स वाली फिल्म बनाता है अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल गई थी फिर इधर धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में जीती अवार्ड तो वैसा फिल्म मेकर है बहुत ही क्या बात हाँ एंड माई तो काफ़ी चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिलती हैं जैसे मैं बोल रहा था कि इससे सीखता हूँ छोटों से आप ज़्यादा सीखते हो आजकल बड़ों से नहीं सीखते छोटों से बहुत सीखने लगे इनको जो पता है हम मेरे को ऐसा लगता है ये गुरु है सब मेरा भी जो छोटा भाई है वो मुझे कभी कभी लगता है मुझसे ज़्यादा ठहराव है उसमें बहुत मैच्योर है मुझसे मुझे कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ दीदी काम ना ओके आप ऐसे I'm embarrassed, but you're right. So it's like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने ना छोटा होके बड़े भाई का काम किया है क्योंकि आप एज एन एक्टर आपको बहुत सारे फेजेस होते हैं आपके इमोशनल भी और तो उसने मुझे बहुत एक मेरे साथ ही रहता है क्योंकि वो ही इज़ ऑल्सो डूइंग कॉलेज इन मुंबई ओनली तो उसने बहुत संभाला है मुझे बहुत साथ दिया है एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है तो आई एम रियली लकी और एक बड़ी चीज उसने मेरे भाई ने और कर दी जिससे मुझे पूरे परिवार मुझे गालियां देता है उसने शादी पहले कर ली मुझसे और छोटा है मुझसे तो ये तो बड़ा वो हो गया ना घर पे होता है घर पे बड़ों की शादी पहले होता है छोटे ने शादी कर ली देख उसे और दूसरी बात है जो वाइफ है वो IPS है हाँ तो अब और वो प्रेशर तो अब मुझे लग रहा है लगता है मुझे भाई के साथ फार्म पे रहना है नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं मैं काम बहुत है यार मैं अभी डबल शिफ्ट मार रहा हूँ दूसरी फिल्म भी शूट कर रहा हूँ साथ साथ तो वो अब कैसे मैं नहीं अभी नहीं अभी काम पे फोकस बड़ी हाँ जी दो साल क्या चीज ये कोई नहीं बता पाया है कि शादी कब होगी ये मैं नहीं बता पाऊंगा ये तो ऊपर से लिखा आता है ना ये एक लौते हैं जो आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं आप पंडित बन क्या हो गए इतने क्यों वो हैं तो जैसा कि मैम ने भाई के लिए पूछा था तो मेरे जो बड़े भाई हैं माई ब्रदर इज लाइक माई फादर और अगर फिल्म से कहें तो यस ही इज़ माई रियल भाई जान जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और कोई भी मुझे छोटी बड़ी तकलीफ कुछ भी हो कुछ भी पूछना हो आई ऑलवेज गो टू हिम आस्क हिम और मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गाइड वही करते हैं आप जैसे कि
साहब जी वो इतने बड़े स्टार हैं, अभी हाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं वो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, पूरे हैदराबाद के शेड्यूल में मैंने उन्हें कभी भी धूप में छाता इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो धूप में बैठते हैं और नेचर को प्यार करते हैं, वो फार्म में नंगे पैर घूमते हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे साथ की, वो मुझे बरकरार रखनी चाहे मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ लाइफ में। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डिफाइन करती है कि वाई ही इज़ एट द प्लेस ही इज़, वो उनका हार्डवर्क। और कुछ भी हो जाए, मतलब पूरे दिन में, जैसे कि सिद्धार्थ ने भी बोला अपने इंटरव्यूज में, वो वर्कआउट करना नहीं, मतलब ही वोंट लीव इट। वो दिन भर इस फिल्म के लिए ऐसे लगे थे जैसे उनका एक यू नो हमारा एक बच्चा होता है कि नहीं क्या ये कैसे वो कैसे। सो उनकी जो मेहनत है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हर एक छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ में इस फिल्म में, वो डिफाइन करता है कि उन्होंने जो एक्सेलेंस है उनमें और जो अभी वो है वो क्यों है, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। मैंने एक जो चीज़ सीखी है सलमान सर से, वो मैंने मतलब पर्सनली ऑब्जर्व किया है उन्हें, कि लोग अकेले चलना अकेले बढ़ना सब कर लेते हैं, लेकिन सबको साथ लेके बढ़ना सबको साथ लेके चलना वो सलमान सर करते हैं। और वो चीज़ मैंने उनसे मतलब वो मैंने सेल्फ ऑब्जर्व करके उस चीज़ सीखी, वो कैसे सेट पे पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे, सबका ध्यान देते थे। और मतलब ही इज़ अ डिफरेंट गाय, लाइक जेन्युइनली आज वो जो हैं इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन हार्डवर्क और ये जो मैंने आपको बताया उस वजह से। और ये फिल्म भी आपको वो बॉन्ड दिखाएगी, यू नो सबको साथ लेके चलने की बॉन्ड, फैमिली इम्पोर्टेंस और कल्चर, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, हिंदुस्तानी फिल्म है। तो आप सब ज़रूर जाके देखें किसी का भाई किसी की जान। थैंक यू। इन्हें तो कुछ और ही चाहिए होता है वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है। और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की, तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी है जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शरिया अंथमवल 1990-2001 के कालखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिस कर्मी युग आर्या से संपर्क करता है। और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शोरिया अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहाँ कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ले हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। वामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंद लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा
पास्ट और प्रेजेंट का कंफ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कंफ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती, ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है, और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं, जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिस कर्मी युग आर्य से संपर्क करता है, और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्लर की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भामिका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंद लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कंफ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कंफ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का
लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। वामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11:11 देखने से पहले यहां जानिए पूरी कहानी और रिव्यू और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11:11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्य से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। वामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। वामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं।
वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है। और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की, तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं, जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शरिया अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है। और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्या के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 की पुलिस ऑफिसर शोरिया अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है। और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की, तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं।
सस्पेंस, थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शर्या अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्या के बचपन से जुड़ी है जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्या अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभक्त CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11:11 देखने से पहले यहाँ जानिए पूरी कहानी और रिव्यू और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11:11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शर्या अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं।
पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल योग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्या अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदागी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है, और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं, जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अथम्बल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिस कर्मी युग आर्य से संपर्क करता है, और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल योग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्या अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत
में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहां जानिए पूरी कहानी और रिव्यू और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्य से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है।
उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती, ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए हैं। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जानिए पूरी कहानी और रिव्यू, और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है, और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है, और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्या के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भामिका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है।
युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। वामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए हैं। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शर्या अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्या अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है जहाँ कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। वामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभक्त CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए हैं। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा,
नितेश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहां जानिए पूरी कहानी और रिव्यू और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है। और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की, तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शरिया अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्या के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शोरिया अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्लर की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नितेश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहां जानिए पूरी कहानी और रिव्यू और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है। और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की, तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक
उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शरिया अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिस कर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्या के बचपन से जुड़ी है जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शोरिया अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश विष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश विष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभक्त CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर हर्ष छाया मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य गौरव शर्मा नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जानी पूरी कहानी और रिव्यू और जानी किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश विष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शरिया अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिस कर्मी युग आर्या से संपर्क करता है और दोनों
इस बात के जरिए 1990 और 2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्या अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती, ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जानिए पूरी कहानी और रिव्यू, और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है, और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं, जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अथम्बल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्य से संपर्क करता है, और दोनों इस बात के जरिए 1990 और 2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुए लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी,
मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभाग CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भूमिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए है। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और रिव्यू और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर बाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है जो 2016 में मौजूद युवा पुलिस कर्मी युग आर्य से संपर्क करता है और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कालखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाविका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भाविका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है जब एक बच्ची अगवा
कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभक्त CGM और सीरीज में मजबूत है। कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती, ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। भामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए हैं। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज 11/11 देखने से पहले यहाँ जानिए पूरी कहानी और रिव्यू, और जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें इस वेब सीरीज को। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, हम भारतीय दर्शकों को ये काफी पसंद आता है, और जब बात ही है सस्पेंस थ्रिलर की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का 11/11 के रूप में हिंदी रूपांतरण लेकर आए हैं। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश भट्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग कलखंड के दो पुलिस अधिकारी हैं, जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टाकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस ऑफिसर शौर्य अंथमवल 1990-2001 के कलखंड से है, जो 2016 में मौजूद युवा पुलिसकर्मी युग आर्य से संपर्क करता है, और दोनों इस बात के जरिए 1990-2001 में हुए खौफनाक अपराध की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त बाल युग उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस ऑफिसर शौर्य अथम्बल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्लर की सीरीज से जुड़ी है, जहां कत्ल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़की को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस अतीत में शातिर किलर को अपनी गिरफ्तार में लेने में कामयाब हो गया। इन दो कलखंडों के बीच की मजबूत कड़ी है कर्तव्य परायण और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भामिका रावत। वो 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और वर्षों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। भामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में विज्ञान और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिलर अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। उमेश बिष्ट खुद एक पहाड़ी है, तो उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप और किरदारों को देवभूमि पर सजाया है, जो सीरीज को फ्रेश बनाता है। टाइम ट्रैवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश उस कन्फ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में दर्शकों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद वो कलखंडों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कथानक थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी का अहम रोल होता है। ये दोनों विभक्त CGM और सीरीज में मजबूत है।
कलाकार का अभिनय सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार अभिनय अदायगी के साथ पेश होते हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका के जरिए अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती, ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में ये अपनी छाप छोड़ते हैं। वामिका के रूप में कृतिका कामड़ा ने केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी को साकार करती है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी रोचक है। शौर्य के रूप में धैर्य करवा के हिस्से में सबसे जटिल किरदार आया है, मगर ये उसे अपने स्टाइल से जी गए हैं। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन और पूर्णेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नीतीश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं। बता दें कि इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे Zee5 पर एंजॉय कर सकते हैं।